Schade. जी, किस तरह की घटना हुई है आपके साथ? बच्चे जा रहे थे बिस्किट लेने के लिए, तो उनका डॉग जो है सामने, वो बच्चों पे दौड़ाया। बच्चे ने डर के मारे पत्थर उठाया, मारा नहीं, तो उनके परिवार के लड़के लोग गाली गलौज करने लगे। इस पर बेटा बोला ठीक है मैं घर में बताता हूँ, तो बोले जाओ खनान को बुला लो। बेटा ने आके मुझे बताया कि पापा गाली दे रहे करके। मैं ठीक है मैं बात करता हूँ, मेरा बड़ा बेटा मैं गए बात करने के लिए। तो उनके भाई नगेंद्र सिंह के भाई से दोनों से हम बात कर रहे थे, जब तक बड़ा बेटा मेरा बोला कि गाली क्यों दे रहा करके, तब तक उसके लड़के ने घर से कटर निकाला और बच्चे के सर पे मार दिया। इसमें मैंने पकड़ के उसके, तो मेरे ऊपर भी लोगों ने वार किया, डंडा निकाल लिए, कोई कड़ा से मारा है, सब झुक गया। मैंने भी अपने बचाव में धक्का मुक्की किया। उसके बाद परिवार के और लोग पहुँचे हमारे, जब तक फिर नगेंद्र सिंह ने बंदूक निकाल करके फायरिंग कर दिया, जिससे हमारे एक मोहल्ले के एक लड़के को आँख में गंभीर चोट आई है, जो अभी VM साहब में हम लोग एडमिट किए हैं। कहाँ की घटना है ये? ढांचा भवन कुरुत की। किस चीज़ को लेकर विवाद हुआ आप लोगों? कोई नहीं, एक डॉग को लेकर विवाद हुआ है। क्या नाम है आपका? नंद किशोर टंडन। चालू चालू है। क्या हुआ था? वो गाय का मार रहा था, हम लोग जब गए डांटने के लिए, तो कुत्ता भूखने लगा, कुत्ता को मारने लगे तो हम लोग गए आकर के हम आगे मार, बाप बेटे दोनों मारने के लिए, मेरा लड़का भी गया, वो लोग पकड़ लिए, मेरा भी लड़का मारा, वो लोग भी मारे, वसूल आकर के डांटा से 20-30 जन आकर के अब मार करके हमारा चैन भी खींच लिए हैं, नाक में खींच लिए हैं सब पूरे लोग को मार करके। जब हम दरवाजा में बंद हुए तो जाकर के हम लोग अपने अथी किए जान बचाने के लिए, पूरे ढेके से पूरे पाइप से मारे हैं लोग। एक मामूली कुत्ता को लेकर के विवाद हुआ। कुत्ते नंदू का छोटा लड़का आया जा रहा था, कुत्ता भोंक रहा था, मेरा लड़का बोला जी वो पत्थर उठा कर दौड़ाया मारने के लिए, तो बोला जी क्यों मारते हो? अब इसी पे बात विवाद हुआ, तो बोला कि मैं अपने भाई को लेकर के आ रहा हूँ। फिर अपने उसका बड़ा भाई और उसका पिताजी आए नंदू टंडन, और बकझक होने लगी। फिर ऐसे बात बात थोड़ा दो चार बात हुई, उसके बाद वो चले गए। फिर उनका बड़ा भाई आए मोहन टंडन, डंडा लेकर के पूरा, और भी लोग उनके घर के आए और सगा संबंधी दोस्त में जो भी था, वो अपन तो देखे नहीं, लाठी डंडा भी चलाए। अपन लोग तो निश्चिंत थे कि भाई लड़ाई झगड़ा होगा नहीं, अपन क्या जानते थे कि ऐसा सोच बना के आएंगे वो। तो इसमें लगा हम लोगों को, चोट भी लगा दो लोगों को, और वो गाय और कुत्ते को मारने के वजह से हुआ। फिर दोबारा वो चले गए वापस, तीसरी राउंड में आए तो हम लोग डर से घर दरवाज़ा सब बंद कर लिए और ईंटा पत्थर मारने लगे। जिसमें हवाई फायरिंग की बात आ रही है, कितना सही है? नहीं, फायरिंग है तो मैं किया हूँ, ये हमारा शासन प्रशासन ने हमको आत्म सुरक्षा के लिए दिए हैं। हमारे घर पर कोई हमला करता है, मैं घर से बाहर गया नहीं हूँ, मैं स्वयं अपने घर में हूँ। हमारे घर में कोई भी आता है तो हम अपनी रक्षा तो आत्मरक्षा तो कर ही सकते हैं। तो मैं एक फायर किया हूँ सिंगल, तो हवाई फायरिंग किया है ना? हाँ। क्या नाम है आपका? नागेंद्र सिंह नाम है। कहाँ रहते? मैं ढांचा भवन में रहता हूँ। किसको किसको चोट आई है आपकी तरफ से? हमारे यहाँ से वो छोटा भाई का लड़के का सर फट गया है। नाम क्या है? बसंत सिंह नाम है इसका। पूरा देखिए हालत ख़राब है, मुँह सब नाक वूक सब फूल गया है। भाई का है हाथ में डंडे से चोट लगा है। छोटी बहू का वो दांत टूट करके अंदर हो गया है। तीन दांत जी आपका? हमारा सब पूरा, हमारा जेवर भी है, तीन तोला का नाक में का है, सब लोग नोच लिए है। अच्छा। आज रात्रि लगभग ढांचा भवन क्रूज में प्रार्थी नंदू टंडन का लड़का निश्चय किसी काम से मार्केट गया था, तो गली में चले कुत्ते के भोंकने से उसने पत्थर उठा लिया, तो पत्थर मारने लगा। उसी बात को लेके
दूसरे पक्ष के प्रार्थी नागेश सिंह के लड़के ने उसको आपत्ति दर्ज की क्यों मार रहा है, इसी बात पर दोनों में विवाद हुआ, मारपीट हुई। तो इस बात को निश्चय ने अपने पिता नंदू टंडन को बताया। तो नंदू अपने बच्चों को लेकर नागेश सिंह के यहाँ समझाने गया, इसी बात पर दोनों परिवार में मारपीट हो गया। इसी दौरान नागेश सिंह ने आवेश में आकर हवाई फायर कर दिया था। दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर अपराध कैमर प्रदान कर रखी जा रही है। जी, हथियार जब्त हुए हैं जी, एक राइफल उनके कब्जे से जब्त किया गया है और एफ आई आर दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है।